दोस्तों जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। ये अपने मालिक की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो रियल लाइफ हीरो हैं, जिन्होंने अपनी वफादारी के चलते इंसानों की जान बचाई। यहाँ ये दोनों बच्चे बॉल खेल रहे थे, तभी ये बॉल इस पॉट में चली जाती है। बच्चा बॉल निकालने के लिए पॉट में हाथ डालता है, तभी ये बच्चा उसके कपड़े को पकड़कर उसे पीछे खींचने लगता है और पास में रखे हुए वाइपर को अपने मुंह में दबाता है और गेंद को बाहर निकाल लेता है। इस फुटेज में ये लड़की अकेले सड़क पर कहीं जा रही थी, तभी इसके पास एक कार रुकती है। कार का ड्राइवर उसे जबरदस्ती कार में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लड़की पीछे की तरफ जाने लगती है। लड़की को खतरे में देखकर दूर मौजूद एक कुत्ता तेजी से कार की तरफ आता है और जैसे ही कार का ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है तो ये कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है, जिससे डर कर ये शख्स यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों भेड़िये बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे ये शख्स इतने सारे भेड़ियों के बीच फंस गया है, लेकिन ये भेड़िये उसका कुछ नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह थी उसका ये कुत्ता, जो इन भेड़ियों से लगातार पंगा ले रहा था। इस वीडियो में ये लड़की नाव पर बैठी हुई थी और अपने फोन को चला रही थी, तभी अचानक से उसका फोन पानी में गिर जाता है। पास में ही एक डॉल्फिन थी जो उसके फोन को अपने मुंह में दबा लेती है और उसका फोन उस लड़की को वापस कर देती है। ये महिला यहाँ बैठकर मोबाइल चला रही थी, पास में ही उसका कुत्ता बैठा हुआ था। तभी न जाने उसके कुत्ते के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो इस महिला के पास आता है और भौंकने लगता है। महिला उसे डांट देती है, पर ये महिला के स्कर्ट को पकड़कर उसे वहाँ से हटाने लगता है। महिला को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, पर थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। इस वीडियो में ये शख्स यहाँ बैठकर कुत्तों का खाना बना रहा था। इस यार्ड में 3 कुत्ते थे। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि ये शख्स बेहोश हो जाता है। इस शख्स को बेहोश देखकर ये सभी के सभी कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर इसके भाई को इन्फॉर्म करते हैं, पर वो शख्स समझ नहीं पाता तो ये लोग उसे खींचकर यार्ड में लेकर आते हैं। जब इसके भाई ने इसे यहाँ बेहोश देखा तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल गया, फिर कहीं जाकर उस शख्स की जान बच पाई। इस फुटेज में ये बच्ची यहाँ खेल रही थी, जिस पर ये मुर्गी गुस्सा हो जाती है और इस बच्ची को दौड़ाने लगती है। बच्ची डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये सारा कुछ एक कुत्ता देख रहा था जिसने उस मुर्गी को सबक सिखा दिया। दोस्तों आपने एक जानवर को दूसरे जानवर का शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक कुत्ते ने एक हिरण के बच्चे की जान बचा ली। दरअसल ये हिरण का बच्चा पानी में डूब गया था, जिसे देखकर ये कुत्ता फौरन पानी में चला जाता है और हिरण के बच्चे को अपने मुंह में दबाकर पानी से बाहर निकालता है। ये शख्स यहाँ नदी में तैर रहा था, तैरते तैरते नदी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद ये शख्स डूबने लगता है, लेकिन जल्द ही इसका साथी हाथी आ जाता है और इस शख्स की जान बचा लेता है। ये सच में कमाल का नजारा है। दोस्तों कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के बारे में जानवरों को पहले पता चल जाता है, ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है यहाँ भी। यहाँ ये दोनों कुत्ते भोग भोग कर इस महिला को घर के अंदर कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि महिला घर के अंदर जा चुकी थी। इस वीडियो में ये शख्स अपने कुत्ते के साथ खड़ा था, पास में ही उसका बैग रखा हुआ था। तभी एक चोर आता है और उसके बैग को चुराकर भागने लगता है। जैसे ही कुत्ता उस चोर को देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और उसे दौड़ा लेता है, जिसके बाद मजबूरी में उस चोर को बैग वहीं छोड़ना पड़ता है। इस वीडियो में ये शख्स काम करते करते यहीं बेहोश हो जाता है। जब ये घोड़ा देखता है कि उसका मालिक बेहोश हो गया है तो पहले तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जब इसका मालिक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता तो ये घोड़ा खुद ही लेट जाता है। फिर धीरे धीरे ये शख्स घोड़े के पीठ पर सवार हो जाता है और घोड़े पर बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ ये बच्ची और कुत्ते दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। टीवी की आवाज बहुत ज्यादा थी, इसलिए बच्ची को उसके पिता के आने की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन कुत्ते को वो आवाज सुनाई दे देती है, जिसके बाद ये कुत्ता खुद से ही टीवी को बंद कर देता है। लड़की को समझ में आ जाता है कि उसके पिताजी आए हैं, लिहाजा लड़की होमवर्क करने लगती है। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। दोस्तों इस पूरे रोड पर बाढ़ आई थी, जिस वजह से रोड के ऊपर तक पानी लगा हुआ था। इस रोड को एक शख्स व्हीलचेयर से पार कर रहा था, लेकिन उसने किसी से भी हेल्प नहीं मांगी। इसके पीछे वजह थी इसका वफादार दोस्त, जो इसके व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था।